तीन राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने दो दो उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी से जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी उम्मीदवार हैं, वहीं कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया मैदान में। यहां पर बीएसपी एसपी और निर्दलीय विधायकों के पाला बदलने से कांग्रेस की दो सीटों पर जीत की राह जहां मुश्किल हो गई है, वहीं बीजेपी के लिए आसान हो गई है। विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, मध्य प्रदेश की बात करें तो चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है, लेकिन जो डिनर पॉलिटिक्स हुई उसके बाद कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने की उम्मीद है। यहां पर बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने। तो अब तक उम्मीद थी, जिससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब जिन सीटों का जिक्र किया जाए थे, कांग्रेस को उम्मीद थी कि जब तक सरकार में थे तो कम से कम दो सीटें जो राज्यसभा से उनके पास आएंगी। लेकिन सरकार बदलने के बाद जो बीच में जो घटनाक्रम हुआ पिछले तीन महीने में, उन तीन महीने में कांग्रेस अब मान के चल रही है कि अब जो तीन सीटें उनमें से एक ही सीट है जो कि दिग्विजय सिंह की महत्वपूर्ण सीट है, उसको अब कांग्रेस पूरी तरह से खेलना चाह रही है कि ये सीट उनके पाले में आ चुके। लेकिन बीजेपी के पास जो खास तौर पर ज्योतिराज सिंधिया है और दूसरा जो दो कैंडिडेट बीजेपी ने अपने उतारे हैं, और दोनों कैंडिडेट बीजेपी की ये सीट दोनों साफ साफ तौर पर बीजेपी के हाथ में आएंगी, और ये प्रक्रिया जो सुबह 9 बजे शुरू होगी और शाम को 4 बजे तक चलती रहेगी। 5 बजे मतदान के साथ पूरा भी उसमें ऐलान भी कर दिया जाएगा कि जो दोनों कैंडिडेट हैं, तो खास तौर पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के दो बड़े नेता ज्योतिराज सिंधिया और दिग्विजय सिंह का भी ऐलान कर दिया है कि इनकी किस्मत का फैसला क्या हुआ है। लेकिन साफ तौर पर मान लिया जाए कि तीनों सीटों में सबसे खास है ज्योतिराज सिंधिया का जो घटनाक्रम रहा, उसको अगर जोड़कर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से ज्योतिराज सिंधिया का बिल्कुल ही तय माना जा रहा है कि उनकी सीट यहाँ साथ में आएगी। दूसरा सुमेर सिंह सोलंकी जो कि प्रोफेसर है, आदिवासी नेता है, वो भी यहाँ पर राज्यसभा से जा सकते हैं। दिग्विजय सिंह के लेकर पहले ही प्लानिंग कर चुकी है कांग्रेस की, उनको किस तरह से सबसे पहले वोटिंग की जो प्रक्रिया होगी उनमें जो वोट डाली जाएंगी उसमें कांग्रेस के तमाम जो विधायकों को ये व्हिप भी जारी कर दिया गया है कि वो सबसे पहले वोट दिग्विजय सिंह को करें, क्योंकि 52 का सीटों का जो आंकड़ा होना बेहद जरूरी है। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 230 में से 24 सीटों पर चुनाव होना, इसके बाद बची 206 सीटों में से खास तौर पर अगर देखा जाए तो 52 जो है एक 52 की वोट चाहिए पर्दे पड़ेंगे एक राज्यसभा सीट के लिए, और ऐसे में जो कांग्रेस के पास 92 विधायक हैं और साथ में बीजेपी के पास 107 सीटें हैं, तो ऐसे में अगर जोर घटाना भी कर दिया जाए तो खासतौर पर बीजेपी खासतौर पर दो सीटें यहाँ पर तय मान रहे हैं।